स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की रीवा में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट को किया घेराव। मध्य प्रदेश के रीवा में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया है। बता दें कि रीवा से है खबर, जहां सैकड़ों विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारदी संगठन के कार्य से प्रवास पर थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मीडिया से बताया कि प्रांतीय मंत्री को षड्यंत्र कर फंसाया जा रहा है, जिसका बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद विरोध करता है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री को गिरफ्तार करने को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस बीच जब हमारी टीम ने पदाधिकारियों से बात की तो सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। रीवा से अभिनय शुक्ला की रिपोर्ट। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं जिला मंत्री मनीष मिश्रा, यहाँ पे हम ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब को। अभी विगत 8 तारीख को दमोह में हमारे प्रांत मंत्री श्री ललित पारधी जी को बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद हमारे पदाधिकारियों ने हमारे पूरे संगठन ने प्रदेश भर में इसका आंदोलन किया, विरोध किया, जिसके दबाव में चलते उन्होंने बाद में छोड़ तो दिया, लेकिन इससे हमारे संगठन की छवि धूमिल हुई। हमने प्रशासन स्तर पर भी इसकी अभी ज्ञापन देने के लिए आए थे। कभी भी हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार ना हो, इसी के लिए हम ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को आए थे। कि यहाँ कई बार ऐसा देखा गया है कि संगठन के कार्यकर्ता सामाजिक कार्य में अनवरत कार्य करते रहते हैं और कई बार प्रशासन के द्वारा किन्हीं विरोधी जो हिंदू विरोधी जो संगठन हैं उनके दबाव में आकर कई बार इस तरह के कृत्य किए जाते हैं, जिससे हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। उसी के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि हमारा संगठन विश्व स्तरीय संगठन है। हमेशा चाहे कोरोना हो, चाहे आपदा हो, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, हमारा संगठन हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेता है लोगों की सेवा कार्य करने के लिए। इस तरह के संगठन के ऊपर यदि किसी भी प्रकार से उंगली उठाई जाती तो निश्चित तौर पर समाज में हमारी छवि खराब होती है। कई बार ऐसे कार्यकर्ताओं को कहीं से भी पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गलत FIR कर दी जाती है, गलत षड्यंत्र के द्वारा उन्हें फंसाया जाता है। इसी के विरोध में आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे और हमने प्रशासन को आज चेतावनी भी दी है, अगर तुरंत इस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी जो दोषी लोग हैं तो हम लोग बृहद आंदोलन की ओर जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। क्या नाम है आपका? मनीष मिश्रा।